Christmas is around the corner, and this festival season is all about candles, stars, lanterns, bells, wreaths, gifts, and many more. Hello guys, welcome to my channel Crazy Canvas Studio. So in my today's video, I will show you how to make these beautiful lanterns and also how can you decorate it within different ways. So watch the video till the end to check those beautiful ideas. Also, in these next few weeks, I will be posting couple of more videos which will be on Christmas related DIYs, gifting and decor ideas. So don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon to get the notification of all those upcoming videos. So without further ado, let's start with today's video. तो इस लैंटर्न को बनाने के लिए वी नीड दिस काइंड ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस। इस बॉक्सेस को हमें चारों तरफ से कट करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का गैप रख के लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। एंड देन पेपर नाइफ से इसे इस तरह से कट कर लिया है। फिर ये सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है फॉर ऑल द साइड्स ऑफ द बॉक्स। एंड देन कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर बॉक्स के जहाँ पे भी इस टाइप का गैप या फिर जॉइंट पार्ट्स होगा, उसे हम मास्किंग टेप से सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इन दोनों बॉक्सेस को मास्किंग टेप लगा के रेडी कर लिया है। तो इस टाइप के लेयरिंग के लिए हमें चाहिए डिफरेंट साइजेस ऑफ बंच ऑफ कार्डबोर्ड्स। आपको अपने कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर एंड लोअर पार्ट के मेजरमेंट के हिसाब से कार्डबोर्ड्स को कट करना है। तो मेरा ये जो बॉक्स है, इसका टॉप एंड लोअर साइड 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर साइज है। तो मैंने बंच ऑफ कार्डबोर्ड्स कट किया है जो कि 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, एंड देन कुछ और कार्डबोर्ड्स है जो कि 15 सेंटीमीटर एंड देन 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स है। इन कार्डबोर्ड कटआउट्स को इस तरह से फेविकॉल से चिपका लीजिए। देन साइड को सिक्योर करने के लिए ऐसे मास्किंग टेप से कवर कर लीजिए। तो मैंने ये सारे कटआउट्स को ऐसे मास्किंग टेप से सिक्योर करके रेडी कर लिया है। इसे इस तरह से ग्लू से बॉक्स के साथ स्टिक कर लीजिए। तो ये हो गया लैंटर्न का लोअर पार्ट। देन इसके अदर साइड में भी कार्डबोर्ड्स को इस तरह से एक के ऊपर एक स्टिक कर लीजिए। कार्डबोर्ड का पीस ले लीजिए एंड इस तरह से इसे सेपरेट करके इसका ये टेक्सचर वाला पार्ट ले लीजिए। फिर इसको ऐसे रोल करके ग्लू गन से चिपका लीजिए। देन ये एक जूट का रोप है जिसको मैंने ऐसे इस तरह से लूपिंग किया है। एंड में ये कुछ इस तरह दिखेगा। फिर इसको ग्लू गन के हेल्प से लैंटर्न के ऊपर स्टिक कर लीजिए। नाउ टेक द मिक्सचर ऑफ ग्लू एंड वाटर एंड कुछ टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। देन ग्लू एंड वाटर के मिक्सचर जो है, उसके हेल्प से इस तरह से लैंटर्न में चिपका दीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक
नाइस सा टेक्सचर मिल जाएगा। कंप्लीट ड्राई हो जाने के बाद इसको ब्लैक एक्रिलिक कलर से पेंट कर लीजिए। देन मैंने ये यहाँ पे शाइनी सिल्वर कलर लिया है, जिसको मैं इस तरह से स्पॉन्ज ब्रश के हेल्प से लैंटर्न पे पेंट कर लूँगी। सेम प्रोसेस मैंने अदर लैंटर्न में भी अप्लाई किया है, जिस पे मैंने गोल्डन कलर यूज़ किया है। तो इसका ये जो लोअर पार्ट है, इस पे थोड़ी और फेस्टिव टच ऐड करने के लिए मैंने ये ग्लिटर फोम पेपर यूज़ किया है, जिसको कट करके मैं अपने लैंटर्न में यूज़ करने वाली हूँ। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। इसको मैं थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए ये स्क्वायर स्टिक्स है, जिसको मैं ऐसे क्रॉस करके स्टिक कर लूँगी। एंड एंड में नीचे वार्निश से सिक्योर कर लेंगे।